दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। फाइनली मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने को लेकर 2024-25 में अतिथि शिक्षकों का जेपीएमएस पोर्टल मेंटेनेंस के बाद ओपन कर दिया गया है। इसके लिए बकायदा लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश भी जारी किया है। नया आदेश में नए तरह के कुछ नियमों को ऐड किया गया है। जो पुराना आदेश था उस आदेश का संदर्भ लेके इस आदेश को जारी किया गया है। अगर आपने इस आदेश को पहले देख लिया है तो भी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाएं। नए कैंडिडेट आवेदन कब से करेंगे, पुराने वालों के लिए क्या नियम है, सब कुछ इस आदेश पर नई तारीखों के साथ बताया। आपको कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का संशोधित नया आदेश 5/8/2024 यानी कि आज जारी किया गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या रहने वाला है नया तारीख के साथ। ऑफिशियल नंबर है आदेश का, प्रति में सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सखंड शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्राचार्य के लिए जारी किया हुआ है। यहाँ पर विषय में है कि सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किया जा रहा है। संदर्भ लिया हुआ है 24/7/2024 का आदेश, जिसमें 1-7 तारीख तक ज्वाइनिंग कराने की पोर्टल मेंटेनेंस के कारण नहीं कराया गया वह वाले आदेश का। साथ ही दूसरा आदेश है 4/7/2019 के आदेश का। ये आदेश इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 30% वाला नियम दिया हुआ है। आगे बताया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र नंबर 1 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल मेंटेनेंस के कारण उक्त तिथियों में परिवर्तन करते हुए निम्नानुसार समय सारणी टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर देखेंगे, पहला जो टेबल बनाया हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया और पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में जिपमेस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रवेश की हेतु की जाने वाली कार्यवाही यहां पर रहेगी। पहली कार्यवाही रहेगी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जिपमेस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 6 तारीख से प्रदर्शन होगा, 5 तारीख को आदेश आया है और 6 तारीख से रिक्तियाँ प्रदर्शित होंगी पोर्टल पर, जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा है कि अतिथि शिक्षक द्वारा जेपीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना जो स्कूल से मिलेगी, उसका तारीख है 7/8 और 12/8 तक, यानी 7 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग स्कूलों पर शुरू हो जाएगी। और जो ज्वाइनिंग की प्रति आपको जेपीएमएस पोर्टल से ज्वाइन होकर विद्यालय को लेकर जाना है 2 प्रति में लीजिएगा, 1 प्रति आपको वापस मिलेगी जिसमें सिग्नेचर प्राचार्य के और सील रहेगी, उसको फिर से आपको जिपमेस पोर्टल पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद शाला के प्राचार्य उसको वेरीफाई करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग तभी पूर्ण होगी। तीसरा है कि शाला प्रभारी जिपमेस पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे, 7 तारीख से 12 तारीख के बीच ही ज्वाइनिंग होगा, प्रमाणीकरण भी करेंगे। फिर बात करते हैं जो पुराने हैं लेकिन पद नियमित शिक्षकों के विरुद्ध है, नियमित शिक्षकों के विरुद्ध यानी कि वहां पर पहले से नियमित शिक्षक हैं। यहां पर देखेंगे ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालय हेतु नियमित शिक्षक के विरुद्ध रिक्त अपडेशन हेतु जेपीएमएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही। पहला स्टेप बताया हुआ है यहाँ पर कि संकुल प्राचार्य द्वारा जेपीएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण बताया जाएगा, आदेश की प्रति अपलोड की जाएगी और एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि हमको इस विषय के शिक्षक की आवश्यकता है। ये काम करना है 7 अगस्त से 8 अगस्त की तारीख यहाँ पर दी हुई है। दूसरा यहाँ पर रहेगा कि जो संकुल प्राचार्य रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट का परीक्षण किया जाएगा, संचालन स्तर पर परीक्षण होगा और अनुमोदन से वहाँ की जो स्वीकृति है पोर्टल खोलने की 9 तारीख से 10 तारीख के बीच संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है कि उक्त रिक्ति यदि विगत वर्ष से निरंतर है, यानी जो पद इस साल खुलवाया जा रहा है वह पिछले साल भी था, तो उसके लिए बताया है कि गत वर्ष किसी भी अतिथि शिक्षक को अगर रखा गया था उस पद पर
तो ऐसा अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करने की जो तारीख है वो 11/8 से 13/8/2024 की यहाँ पर रखी गई है। यानी सीधे तौर पर डायरेक्ट उनके भी ज्वाइनिंग लेटर निकलेंगे और उस ज्वाइनिंग लेटर को निकाल लेंगे, 11-13 के बीच में ज्वाइन कर लेंगे। फिर चौथा है कि शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण 11/13/8/2024 के बीच ही कर देंगे। यहाँ पर आगे बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के संबंध में शेष निर्देश पूर्व में जारी संदर्भ पत्र 1 के अनुसार यथावत रहेंगे। उक्त निर्देशों का अनुसार कार्यवाही करना है। आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश है के द्विवेदी, जो कि वर्तमान संचालक हैं लोक शिक्षण के, 5 अगस्त 2024 को यह संशोधित आदेश जारी किया है। संबंधित तमाम अधिकारियों को प्रतिलिपि में भेज दिया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 7 नंबर में कि सभी स्कूल के जो प्रभारी हैं सरकारी विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के, और सूचना भी भेज दी गई है। यानी ऊपर संकुल प्रचार है और नीचे स्कूलों के प्रचार को भी प्रतिलिपि में भेज दिया गया है कि ये कार्यवाही उनको करना है। सभी चीजें स्पष्ट है, कोई चीज समझ में नहीं आई कमेंट करेंगे, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा समय रहते। और निवेदन रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के सभी अपडेट आपको मिल जाएं समय समय पर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।